ये किसान पर। बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत सफल किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सफल किसान कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं उन प्रगतिशील और सफल किसानों से जो कि आज के समय में कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भरतपुर राजस्थान के एक ऐसे किसान से जो कि प्राकृतिक रूप से बीजों का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए और क्या लाभ इसके ज़रिए हमें मिल सकता है, क्योंकि एक किसान के लिए लागत को कम करना बेहद ज़रूरी है और ये भली भांति इसको जानते हैं, समझते हैं और साथ ही अब दूसरे किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं राजस्थान के भरतपुर का। राजस्थान की जलवायु कृषि को सीमित कर देती है। किसान के पास खेतों में उगाने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होते। ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करके ही जीवन की नैया पार लगाते हैं। हालांकि आधुनिक होती कृषि में किसान पारंपरिक फसलों के साथ नवीन फसलों को भी शामिल कर रहे हैं और बहुत से ऐसे किसान हैं जो उन्हीं परंपरागत फसलों के बीज से बेहतर रास्ता निकाल रहे हैं। नौठा गाँव भरतपुर के रहने वाले राम भरोसे गुर्जर ऐसे ही किसान है। वो अपने खेतों में रबी और खरीफ की परंपरागत फसलें ही उगाते हैं। उनकी कृषि में एक ट्विस्ट है और वो ये कि वो सरसों का बीज उत्पादन करते हैं और उसे विक्रय भी करते हैं। राजस्थान में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। यहाँ की जलवायु सरसों की खेती के लिए उपयुक्त है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान के करीब 33,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती की गई, जिसमें किसानों के साथ साथ ड्राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रमों की भी बड़ी भूमिका है, जिसका लाभ लेकर हमारे किसान राम भरोसे सही कदम उठाकर सशक्त बन रहे हैं। वो पिछले 15 सालों से 10 एकड़ खेत में खेती कर रहे हैं, जिसमें रबी सीजन में गेहूं, सरसों और जौ, खरीफ सीजन में ज्वार, बाजरा, तिल जैसी फसलें लेते हैं। हम 10 एकड़ में खेती करते हैं और खेती के साथ साथ अब हमको पशुपालन भी करना जरूरी है। जो पशुपालन से हमें दो मुनाफे हैं। पशुपालन से क्या है कि हमें पशुपालन से एक तो दूध मिलता है, दूध से हमारी इनकम है और दूध के बाद में इसका जो गोबर है, गोबर से हमने मतलब खाद भी बनाया है। खाद दो तरीका के से बनाया है, एक तो हमने बायोगैस के द्वारा बायोगैस में डाल करके जो इसकी सैलरी निकलती है उसको हम खेत में डालते हैं, तो उसमें कोई ऐसा खरपतवार नहीं होता है। एक इसका केंचुआ खाद, जो गोबर का केंचुआ खाद भी बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट के हिसाब से इसको इकट्ठा करते हैं। और जितना हमारी जो कूड़ा, जो तूड़ी, जो सरसों का वेस्टेज, सरसों का या अपना बाजरा ज्वार का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको भी गोबर के साथ सड़ा देते हैं, उसका खाद बनता है। तो पशुओं को तो हमें ज़रूरी रखना पड़ता है खेती में। इससे हमें क्या है कि अपनी जो यूरिया, DAP जितने भी ये वैसे खाद हैं उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है इस खाद के ऊपर। राम भरोसे जी के खेतों में तैयार किया गया बीज सरसों बीज अनुसंधान निदेशालय भरतपुर जाता है, जहां से किसान आसानी से बीज ले सकते हैं। इसके अलावा निजी कंपनियां और किसान भी उनसे सीधे बीज लेते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें इस नए काम में कुछ परेशानियां भी आई, लेकिन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हर समस्या का समाधान मिलता गया और सफर आगे बढ़ता गया। तो
तो देखा आपने, राम भरोसे जी ना सिर्फ इस बात में विश्वास रखते हैं कि कृषि क्षेत्र में कुछ नया होना चाहिए, बल्कि एक किसान नहीं, जो किसान है, कई किसानों को मिलकर कोई भी नई तकनीक हो, कोई भी नई जिम्मेदारी हो, उसको बखूबी निभाना चाहिए। यानी उनका मानना है कि एक किसान नहीं बल्कि समूह को पूरी तरीके से कार्य करना चाहिए, और इसी के लिए या इसी के तहत FPO को लेकर उनका क्या मानना है, आइए जानते हैं। FPO यानी किसान उत्पादक संगठन है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या करीब 86% है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें FPO यानी किसान उत्पादक संगठन। ये संगठन ऐसे ही किसानों का समूह होते हैं जो मिलकर सारी किसानी से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालते हैं। FPO के माध्यम से किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकते हैं। कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक उचित दाम में मिलते हैं। प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन जैसी मदों में होने वाले खर्चों से किसानों को बचत होती है। FPO से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भंडारण, कृषि प्रसंस्करण जैसी कटाई पूर्व और कटाई बाद के संसाधनों के उपयोग में सुविधा मिलती है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 10,000 FPO बनाने की योजना शुरू की है। ऐसी ही एक FPO का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसान राम भरोसे, जिनके संगठन में शुरुआत में करीब 10 से 15 किसान थे, जिनकी संख्या अब सैकड़े में पहुंच गई है। इसी के साथ ही सफल किसान में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे राम भरोसे जी किस तरीके से खेती के साथ साथ कौन से ऐसे उनके पास विकल्प हैं जिनके जरिए वो अपने मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दोस्तों, क्या आपने सुना है बायोफंगिसाइड्स? मैं ऋषभ आज आपके लिए कुछ गार्डनिंग टेक्निक्स लेकर आया हूँ। केमिकल पेस्टिसाइड्स के उपयोग के कारण मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। यह हमारी सेहत के साथ साथ ही पौधे के एवं मिट्टी की सेहत को भी हानि पहुँचाते हैं। मैं आपको एक बायोफंगिसाइड से मिलाता हूँ जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पौधे में होने वाली काफी सारी बीमारियों को भी दूर करता है। देखिए कार्यक्रम छत पर बागवानी 1 जुलाई शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सफल किसान में। अब आइए इस सफर में हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं राम भरोसे जी के घर ही। क्या कुछ और वहां पे हमें एक नया देखने को मिला, आइए देखते हैं। राम भरोसे जी एक प्राकृतिक खेती करने वाले किसान है, जिनके खेतों में प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशकों का ही प्रयोग होता है, लिहाजा उन्होंने पशुपालन भी कर रखा है। उस वक्त उनकी पशुशाला में 10 से 12 भैंसे, जिनकी वो अच्छे से देखभाल करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक माह की ट्रेनिंग ली थी। पशुपालन से मिले दूध को वो डेयरी में बेच देते हैं और गोबर से खाद बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। इस समय उनके पास कई वर्मी बेड है, जिनके तैयार खाद को आसपास के किसानों को बेच दिया जाता है। और हमने पशुपालन की ट्रेनिंग भी कर रखी है। पशुपालन की ट्रेनिंग हमारे यहाँ नज़दीक मथुरा में इसका वेटनरी का सबसे बड़ा वो कॉलेज है दोवासु में, वहाँ हमने जा करके एक एक महीने ट्रेनिंग भी ली है पशुपालन के बारे में। तो इनके चारा, पानी और समय पर इनके टीका लगवाना और जो इनके जो व्यवस्था है इनकी मेंटेन की, बांधने की, रखने की, रखरखाव की सारी व्यवस्थाएं हम जानते हैं। इनका जो गोबर है, गोबर से हमने बर्मी बेड भी बना रखे हैं अपने खेत पे जा करके। उनमें केंचुआ डाल के एक बर्मी कंपोस्ट इकाई भी डाल रखी है, तो उसमें हम जो बर्मी कंपोस्ट खाद भी ले लेते हैं। बाकी का और भी बचा गोबर है, उसको अपनी तूड़ी है, उस तूड़ी के ऊपर गोबर डाल के पानी का छींटा दे करके इस तरीका का खाद बना के, तो हम वैसे जो खाद हैं हमारे यूरिया DAP उनसे निजात पा रहे हैं। मतलब उनको हम बहुत कम उपयोग करते हैं, या इसलिए तो हम पशुपालन ज़्यादा रखते हैं। भैंस भी हम अच्छी नस्ल की रखते हैं जो 10 लीटर से 15 लीटर तक दूध देती हैं बाहर से। भैंस भी 10-12 हैं हमारे पास, और गाय भी है,
गाय भी रखी, गीर साहिवाल दो नस्ल की गाय भी पाली हमने। और तो अभी तक आप ये जान ही गए होंगे कि राम भरोसे जी कितने मल्टी टैलेंटेड एक इंसान हैं, लेकिन ऐसी और भी कई उनमें खूबियां हैं जिनको आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं खूबियों की बदौलत वो काफ़ी सहूलियत महसूस करते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इन्हीं खूबियों के अनुसार वो दूसरे किसानों से कुछ अलग भी हैं। राम भरोसे जी की पशुशाला और घर के बीच बने बायोगैस प्लांट ने हमारा ध्यान खींचा। अब तक यही लग रहा था कि केवल वर्मी कंपोस्ट में ही गोबर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस भूमिगत बायोगैस प्लांट के बारे में जानने के लिए हमने राम भरोसे जी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि घर में खाना इसी की गैस से बनता है। इतना ही नहीं, और भी कई काम है जिसमें इस गैस का इस्तेमाल कर लिया जाता है, वहीं बची स्लरी फसलों के काम आती है। एक दिन ऐसे हम वहां गए पूसा नई दिल्ली, एक मेला देखने थे, तो पूसा में हमने वहाँ एटक पे वहाँ एक बायोगैस लगा हुआ था, तो हमने देखा, हमने उनसे पूछा, मैंने सर ये कहाँ से कौन लगाता है, तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब थे सरसों अनुसंधान केंद्र वाले अशोक शर्मा जी, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया सर मैंने कि हमको भी लगवानी है, तो उनने हमें डॉक्टर साहब दवास जी का नंबर दिया दिल्ली, तो हम दवास जी से जाके मिले, उन्होंने कहा हम आपको बायोगैस लगवा देंगे, तो उनने वहाँ से हमारे पास एक मिस्त्री भेजा संतराम नाम का, आज तो बेचारा नहीं है, कोरोना में चला गया, तो उसने हमारे यहाँ 5 बायोगैस लगाई, और ये जो मेरी बायोगैस लगाई ये ऐसी शायद मैंने तो भारत देश में कहीं देखी नहीं है, और बायोगैस बहुत ऊँची और हाइट वाली है, मेरी बिल्कुल भूमिगत है, इसके ऊपर कुछ भी ना तो जो पता है कि यहाँ बायोगैस है, पशु भी उसके ऊपर बंधे हुए हैं, ना कोई जगह वेस्टेज हो रही है, और मेरी तो अच्छी सुचारू चल रही है, 6 घन मीटर की गैस है, पूरा घर का काम कर लेते हैं, एलपीजी अपना सिलेंडर है, जब से बायोगैस लगाई मैं तो काम भी नहीं लेता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से राम भरोसे जी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं इस क्षेत्र में, फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा क्योंकि सफल किसान में वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों में वैल्यू एडिशन की भी, या कैसे हमारे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। IISWC के सफर को आगे बढ़ाएंगे, देहरादून के गांवों का करेंगे दौरा। इन गांवों में हमने किसानों के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किया है, और उत्थान में हमने उनको नई नई वैरायटी, उनको खेती करने के यंत्र, हमने इनकम जनरेटिंग रिलेटेड उनको एक्टिविटीज कराई हैं। बदलावों पर वैज्ञानिकों से बात भी होगी। इस क्षेत्र में कई जगहों पे किसानों के पास पानी नहीं था, और पानी ना होने की वजह से बरानी खेती की वजह से उनका उत्पादन बहुत कम था। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सफल किसान में। अभी तक आपने जान लिया कैसे भरतपुर राजस्थान के रहने वाले राम भरोसे जी प्राकृतिक रूप से बीजों का उत्पादन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी कि कैसे आने वाले समय में जो इनका मुनाफा है उसमें इजाफा हो सकता है, यानी भविष्य की रणनीतियों की अगर बात की जाए इसको लेकर क्या मानना है इनका, आइए देखते हैं। यहाँ के ज्यादातर किसान खाना बनाने में सरसों के तेल का ही प्रयोग करते हैं, जो सेहत के लिहाज से काफी अच्छा भी है, लेकिन इसी विचारधारा को राम भरोसे जी एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक तेल मिल लगवाना चाहते हैं, जिससे उनके साथ जुड़े किसान वैल्यू एडिशन करके बढ़िया लाभ कमा सके। जैसा आपने देखा राम भरोसे जी का मानना यही है कि जानकारी पूरी करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इनकी मदद की। उनका क्या मानना है, यानी किस तरीके से अगर हम सरसों की खेती कर रहे हैं तो उसमें तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, या कैसे उसके ज़रिए अच्छी आमदनी ले सकते हैं, क्या कहते हैं विशेषज्ञ, आइए देखते हैं। राम
राजस्थान में दो तरह की सरसों का उत्पादन लिया जाता है, पहली काली सरसों और दूसरी पीली सरसों। विशेषज्ञ मानते हैं कि पीली सरसों से निकलने वाला तेल ज्यादा अच्छा होता है, साथ ही काली सरसों की तुलना में पीली सरसों में 5% ज्यादा तेल निकलता है। चूँकि राजस्थान सरसों के उत्पादन में सबसे आगे है, इसीलिए सरसों अनुसंधान इस प्रयास में है कि किसान केवल सरसों की उपज बेचकर लाभ ना कमाए, बल्कि वो इसका वैल्यू एडिशन करे और तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसे सार्थक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की सुविधाएं और सब्सिडी प्रदान करती है कि किसान अपने घर में एक छोटी सी यूनिट लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सके। यहाँ हमने किसान भाइयों के लिए एक छोटा स्पेलर लगाया हुआ है, जो कि ये दिखाने का इसका उद्देश्य ये है कि किसान नई तकनीकी के बारे में जान सके और सिर्फ सरसों के ऊपर निर्भर न रह करके एक छोटा मिनी स्पेलर लगा सके। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे मेरे इसमें एक 6 वोल्ट का और छोटा स्पेलर लगाया हुआ है। हमारे यहाँ पर सरसों अनुसंधान निदेशालय में सरसों की खेती होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सरसों भी खेती होती है। हमारा उद्देश्य है कि सभी किसान भाइयों को और आम जनता को एक जानकारी हो सके कि शुद्ध तेल कैसे मिल सकता है। तो इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सरसों, जैसे काली सरसों और पीली सरसों दो तरह की सरसों होती है, इसमें हम काली सरसों से काली सरसों का तेल निकालते हैं और पीली सरसों से पीली सरसों का तेल निकालते हैं। यहाँ पर निकालने के बाद में इसको हमने देखा कि सरसों डायरेक्ट बेचने से अच्छा है कि इसका तेल अगर निकाल के बेचा जाए तो किसान भाइयों को अच्छी आमदनी एक प्राप्त हो सकती है, जो कि सरसों का तेल अगर शुद्ध निकलता है तो जो कि शुद्ध स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इसमें हमने देखा है कि ये 6 वोल्ट के स्प्रेयर लगाने से एक 5 घंटे जब रनिंग में इसमें काम करते हैं तो हम इसमें से जब 5 घंटे हम इसको लगातार इससे काम करेंगे तो हम इससे 2.5 क्विंटल सरसों एक साथ में पिलाई कर सकते हैं और 1 क्विंटल में करीब लगभग 38% तेल निकलता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। 38% तेल में से 30% तेल शुद्ध निकलता है और 8% जो कि हमारी ये खली है इसमें आ जाता है। खली में कोई और इस तेल में सबसे अच्छा ये है कि किसी तरह की कोई मिलावट इसमें नहीं की जा सकती है। इस पर भारत सरकार सभी इस पर सब्सिडी भी दे रहे हैं, जो कि हर संभवतः ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे से आगे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। राजस्थान के भरतपुर में स्थित सरसों अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, ये संस्थान लगातार किसानों को प्रेरित कर रहा है कि कैसे सरसों की फसल से अच्छा लाभ हम ले सकते हैं और इस दौरान किसानों की किस तरीके से मदद भी की जाती है, आइए जानते हैं। ये सरसों अनुसंधान निदेशालय राई सरसों के क्षेत्र में देश में अपने आप में अकेला संस्थान है जो राई सरसों के विकास पर पूरे देश में काम कर रहा है और हम पूरे देश में राई सरसों के विकास के लिए हमारे जो अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना है उसके अंतर्गत हम कुल 24 वॉलंटरी सेंटर और 22 कोऑर्डिनेटेड सेंटर के थ्रू 25 राज्यों में हम काम कर रहे हैं और इस निदेशालय ने अपनी स्थापना 1993 के बाद से लगातार राई सरसों की बहुत सारी उन्नतशील प्रजातियाँ दी हैं और हम बात करेंगे अगर पिछले 7-8 सालों में तो हमने करीब 80 प्रजातियां राई सरसों की अधिक उपज देने वाली और अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियों का विकास किया है। इसके साथ साथ संस्थान और सारे शोध कार्यों में लगा हुआ है, किस तरह से हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को, जो उत्पादन तकनीकी है उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, प्रोटेक्शन जो हमारा फसल संरक्षण की तकनीकी है उसको किस तरह से बेहतर बनाएं जिससे किसान भाई राई सरसों की खेती से ज़्यादा लाभ ले सकें। संस्थान इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है, हमारे यहाँ से हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी चलाते हैं जो पार्टिसिपेटरी मोड में हमारे जो किसान भाई हैं, कुछ जो बीज उत्पादक किसान भाई हैं उनके साथ जुड़ करके हम बीज बनाते हैं जो किसानों को सस्ती दाम पे उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए हमारा सितंबर के द्वितीय सप्ताह पूरा जो पखवाड़ा रहे उसमें हम बीज पखवाड़े का आयोजन करते हैं। इसके अलावा संस्थान जो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं उनको किस तरह से कृषि से और ख़ास करके सरसों की खेती से जोड़ा जाए उसके लिए जो आस्की एक प्रोग्राम, उसके अंदर हमने सीड प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो यहाँ से युवा जो ट्रेनिंग लेके जाएं वो अपने लोकल स्तर पर जो है ना वो सरसों का बीज उत्पादित कर सकें, अच्छा बीज उत्पादित कर सकें और उसको किसानों को मुहैया कराएं और उससे उनको आमदनी बढ़े। इसके साथ साथ हम लोग सरसों आधारित जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसमें
हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स निकाली है इसकी, तो एक जो कॉलोनी के अंदर, एक कॉलोनी के साथ सीजन में जो हमारी सरसों की जो फसल है उसके सीजन में तकरीबन 4,000 से 4,500 कई बार 5,000 रुपये तक की आमदनी, अतिरिक्त आमदनी होती है। और इसमें विभिन्न राज्य सरकारें भी इस पर सब्सिडी भी दे रही हैं। तो हमारा काम ये रहता है कि हम किसानों को जो भी प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं उनको इसका जो मधुमक्खी पालन का विशेष तौर पर प्रशिक्षण ज़रूर देते हैं। और ये जो सरसों आधारित मधुमक्खी पालन है इससे हमारा जो सरसों का उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़ता है, 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा निदेशालय का ये पूरा प्रयास है कि हम इस राई सरसों की खेती को कहाँ तक पहुँचा सकें देश में, अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर इसकी अपार संभावनाएँ हैं, खास करके जो धान की खेती के बाद जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है। और ये तकरीबन पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 110 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसमें धान की फसल के बाद कोई फसल नहीं ली जाती। और ये एरिया जहाँ जहाँ भी है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तो इनमें हम राई सरसों को ले जा रहे हैं। और इसके लिए कुछ योजनाएं भी हमारी हैं, जैसे आसाम में काफ़ी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जो एक विश्व बैंक पोषित परियोजना है अपार्ट, उसके अंतर्गत सरसों अनुसंधान निदेशालय एक नॉलेज पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। और हम आसाम के 15 जिलों को हमने चिन्हित किया है और वहाँ पे राई सरसों की खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग फ्रंट लाइन डिमोस्ट्रेशंस लगाते हैं, किसानों को ट्रेनिंग करते हैं, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, लिटरेचर भी जो प्रसार से रिलेटेड लिटरेचर है उसको भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ है, किसान मेला है, फील्ड डे है, तो ये सारे आयोजन करते हैं। और किसानों को उनकी जो क्षमता का है उसको विकास करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो देखा आपने, हर स्तर पर लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि कैसे हमारे किसानों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है। और ना सिर्फ विशेषज्ञ बल्कि जो किसान है खुद नई तकनीक को अपना रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर भूमिका को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना रही है, क्योंकि नई नीतियों की बदौलत ही हमारे जो किसान हैं वो लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आवश्यकता यही कि हमारे जो और किसान हैं वो भी राम भरोसे जी की तरह ही नई जो तकनीकी हैं उनको जाने, समझें और अपनाएं, और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार कर सकें। फिलहाल आज के लिए सफल किसान की इस कड़ी में बस इतना ही। लेकिन आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें, मेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें, हमारा पता है कार्यक्रम सफल किसान, कमरा संख्या 110, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। लगातार ऐसे ही किसानों की कामयाबी की दास्तां लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।